वेलकम बैक। तो गाइज़ आज के वीडियो में हम बात करते हैं CSS के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आप ये जो लिस्ट देख रहे हैं ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है CSS के, जिनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। चलिए हम उसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, उसका रिजल्ट हम यहाँ क्रोम में देखेंगे। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर ऑलरेडी CSS अप्लाई किया हो, जो एक्सटर्नल CSS है जो हम लिंक टैग की मदद से करते हैं। और यहाँ पर मैंने main.css एक्सटर्नल फाइल लिंक किया हो। देखो ये जो फाइल है वो एक्सटर्नल की फाइल है, जिसका नाम हमने दिए main.css। और गाइज़ हमें ये फाइल वहाँ पर सेव करना है, उस फोल्डर में जहाँ पे हमारी मेन HTML की फाइल सेव है। जैसे ये मेरा फोल्डर है CSS प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने index.html और CSS की एक्सटर्नल फाइल main.css को सेव किया। ओके गाइज़, तो ये है एक्सटर्नल CSS का पेज जहाँ पे हम CSS अप्लाई करेंगे और HTML डॉक्यूमेंट में लिंक करेंगे, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं main.css की मदद से। अब बात करते हैं हम बॉडी टैग में। तो हमने बॉडी टैग में H1 टैग यूज़ किया हेडिंग टैग के लिए, जिसमें मैसेज है वेलकम टू FJC, जो यहाँ पे ब्राउज़र में शो हो रहा है वेलकम टू FJC वहूर। तो चलिए गाइज हम इस पर कुछ CSS के प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं। गाइज मैं आपको फिर से एक बार सजेस्ट करूँगा कि आप अगर इससे पहले वाली वीडियो सिंटेक्स ऑफ CSS नहीं देखे होंगे तो उसे देख ले, ताकि आपको CSS का सिंटेक्स समझ में आए। हमें जिस टैग को स्टाइल देना होता है वो होता है सेलेक्टर या टैग नेम। तो हमारे पेज में टैग है H1 टैग, जिसमें हमें हेडिंग को स्टाइल देना है, तो हम H1 को सिलेक्टर के तौर पे यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ टाइप किया H1। उसके बाद सिंटेक्स होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और उसके बीच में होता है हमारा CSS का कोड ब्लॉक, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कलर, उसको हम कोलन से सेपरेट करेंगे और वैल्यू देता मैं यहाँ पर ब्लू, आप कोई भी वैल्यू दे सकते। उसके बाद हम उसको सेमी कोलन से क्लोज करेंगे। चलो अब हम सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो देखो गाइस यहाँ पे हमारी हेडिंग का कलर हो गया है ब्लू। तो चलिए कोई और कलर की वैल्यू रखते हैं, जैसे मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कलर की वैल्यू में ग्रीन। मैंने इसको सेव किया, सेव करके हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखो गाइस यहाँ पे हेडिंग का कलर चेंज हो गया, ग्रीन में आ गया। तो ये होती है कलर प्रॉपर्टी। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर, ओके। तो गाइस बैकग्राउंड कलर क्या होता है, यह टेक्स्ट के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करता है। तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ रेड। तो चलिए हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। हमने रिफ्रेश किया तो देखो गाइस यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड आ गया और टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो गया। तो हम यहाँ से टेक्स्ट के कलर को ग्रीन को हटाते और यहाँ पर लगाते हैं वाइट, ताकि हमारा टेक्स्ट अच्छे से हाईलाइट हो। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो देखो गाइस यहाँ पे टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। तो ये होती है प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर, जिसके मदद से हम टेक्स्ट के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, लेकिन अगर हमारे पेज के बैकग्राउंड के कलर को हमें चेंज करना है, इस पेज के बैकग्राउंड के कलर को हमें चेंज करना है, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं बॉडी टैग को एज अ सेलेक्टर। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल CSS में यहाँ पर सेलेक्टर यूज़ करेंगे बॉडी। यह हमारा हो गया टैग नेम। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और प्रॉपर्टी लगाएंगे हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, उसमें हम वैल्यू देते हैं टील कलर, उसको सेमी कोलन से हम क्लोज करेंगे। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो देखो गाइस यहाँ पे हमारे पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो ये होती है प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर की। ओके गाइस, तो चलिए अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन, ओके। तो गाइस इसकी तीन तरह की वैल्यूज़ होती है, एक तो होती है लेफ़्ट, एक होती है सेंटर और एक होती है राइट। ओके, ये जो लेफ़्ट वैल्यू होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जैसे हमारे ब्राउज़र में हम जब भी कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड ही आता है। ओके गाइस, तो चलिए हम दूसरी वैल्यू को यूज़ करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं दूसरी वैल्यू सेंटर, इसको हम सेमी कोलन से टर्मिनेट करते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके हम इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखो गाइस यहाँ से ये टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ गया। ओके, तो ये होती है टेक्स्ट अलाइन, जिसके मदद से हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अगली वैल्यू देखते हैं टेक्स्ट अलाइन की। तो हम यहाँ से सेंटर को हटा देते हैं, हमने यहाँ से सेंटर को हटा दिया। अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं अगली वैल्यू राइट, इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो देखो गाइज हमारा जो टेक्स्ट था वो राइट साइड में आ गया। ओके, तो अब हम यहाँ से वैल्यू को हटा देते हैं और टेक्स्ट अलाइन में हम कोई वैल्यू नहीं रखते, इसको सेव करते
सेव करके रिफ्रेश करते तो देखो गाइज यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट की पोजीशन होती है वो लेफ़्ट साइड होती है। ओके तो अब हम फिर से यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं राइट, हम इसको सेव करके रिफ्रेश करते तो देखो गाइज हमारा टेक्स्ट ये राइट साइड में आ गया। तो ये होती है प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन की, जिसके मदद से हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज। ओके गाइज इसकी जो वैल्यू होती है या तो वो परसेंटेज में होती है या वो पिक्सल में होती है। ओके तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 50px, पिक्सल के लिए px यूज़ होता है। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। हमने रिफ्रेश किया तो देखो गाइज यहाँ पे टेक्स्ट की जो साइज़ हो गई वो 50px हो गई। ओके तो यहाँ से हम टेक्स्ट के अलाइन को चेंज करते हैं, हम यहाँ पे सेंटर रखते हैं ताकि हमें अच्छी तरह नज़र आए। ओके हमने यहाँ से इसको सेव किया, सेव करके रिफ्रेश किया। तो गाइज ये थी प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज़ की, जिसके मदद से हम अपने टेक्स्ट के साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके तो चलिए अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल। ओके तो गाइज इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो भी तीन तरह की होती है, एक तो होती है इटैलिक, दूसरी होती है ऑब्लिक और थर्ड होती है नॉर्मल। गाइज जो नॉर्मल होती है वो डिफ़ॉल्ट होती है, तो चलिए हम एक एक करके उसको यूज़ करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं इटैलिक, अब हम इसको सेव करते हैं। ओके तो हमने इसको सेव किया, सेव करके जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो गाइज यहाँ पे फॉन्ट का जो स्टाइल है वो इटैलिक में आ गया। ओके तो चलिए हम अगली वैल्यू लगा के देखते हैं। तो हम यहाँ से इटैलिक को हटाते और अगली वैल्यू लगाते हैं ऑब्लिक, अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नज़र नहीं आए, क्योंकि ऑब्लिक और इटैलिक ये करीब करीब सेम होते हैं स्टाइल। ओके तो चलिए हम इसको हटा के यहाँ पे थर्ड वैल्यू लगाते हैं, वो है नॉर्मल। चलिए हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो गाइज़ ये नॉर्मल होता है, वो जो डिफ़ॉल्ट होता है, जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल होती है हमारे टेक्स्ट की वो नॉर्मल होती है। ओके तो ये थी प्रॉपर्टीज़ फॉन्ट स्टाइल की। तो चलिए फिर से हम यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं इटैलिक, इसके बाद हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो देखो गाइज यहाँ पे हमारे फॉन्ट का स्टाइल इटैलिक में आ गया। तो ये होती है फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, जिसके मदद से हम अपने फॉन्ट को अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। ओके तो चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली। ओके अब हम इसकी वैल्यू देते हैं यहाँ पे एरियल। तो चलिए अब हम इसको सेव करते, हमने यहाँ से सेव किया, सेव करके रिफ्रेश करते, हमने रिफ्रेश किया तो देखो गाइज यहाँ पे फॉन्ट फैमिली एरियल ब्लॉक में आ गई। तो ये थी प्रॉपर्टी फॉन्ट फैमिली की। ओके तो चलिए अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है फॉन्ट वेट। तो गाइज फॉन्ट वेट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है। ओके तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं फॉन्ट वेट। ओके तो गाइज इसकी जो वैल्यू होती है वो भी हम पिक्सल में यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर लगाते 100। हमने इसको सेव किया, सेव करके जैसे हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो टेक्स्ट का जो वेट था वो 100px में आ गया। इसको समझने के लिए हम यहाँ से एरियल को हटा देते, सेव करके रिफ्रेश करते तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट का वेट 100px में आ गया। ओके तो अब यहाँ पे हम वैल्यू लगाते हैं बोल्ड, उसको सेव करते, सेव करके रिफ्रेश करते तो गाइस यहाँ पे जो टेक्स्ट था वो बोल्ड में आ गया। ओके तो ये थी प्रॉपर्टी फॉन्ट वेट की। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है बॉर्डर। ओके हम इसकी वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे सॉलिड और कलर देते हैं इसमें, आप जो भी कलर दे सकते हैं, मैं देता हूँ जैसे ब्लू। चलिए अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखो गाइस यहाँ पे टेक्स्ट के लिए बॉर्डर आ गई सॉलिड ब्लू कलर में। ओके तो चलिए उसको हम और कुछ लुक देते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं डॉटेड फॉर्म, हम यहाँ पे लगाते हैं डॉटेड। ओके तो चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ्रेश करते तो गाइस देखो यहाँ पे बॉर्डर आ गई डॉटेड फॉर्म में। ओके तो ये होती है प्रॉपर्टी बॉर्डर की। तो चलिए अगले प्रॉपर्टी की बात करते, वो है पैडिंग।
ओके तो गाइस पैडिंग का काम क्या होता है। पैडिंग प्रॉपर्टी ये काम करती है कि हमारे टेक्स्ट के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में हमें कितना स्पेस रखना है, एडजस्ट करना है। ओके तो ये काम करती है पैडिंग। तो चलिए हम लगा दें प्रॉपर्टी यहाँ पे पैडिंग। तो पैडिंग में हम यहाँ पे लगाते हैं 20px। चलिए अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करके रिफ्रेश करते हैं। हमने रिफ़्रेश किया तो गाइस देखो यहाँ से ये टेक्स्ट के टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में इसने क्या किया, 20px स्पेस रखा। ओके लेकिन अगर हमें चाहिए कि हम सिर्फ टॉप में 20px रखना चाहते हैं स्पेस, तो हमें यहाँ वैल्यू लगाना है। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पैडिंग। ये उसके प्रॉपर्टीज़ के वैल्यूज़ है लेफ्ट बॉटम राइट एंड टॉप। तो हम यहाँ पर लगाएंगे टॉप 20px। ओके तो चलिए हम इसको सेव करते हैं। सेव करके रिफ़्रेश करते तो गाइस देखो जैसे हमने इसको रिफ़्रेश किया इसने क्या किया, टॉप के 20px को छोड़ा है, बाकी सारा क्या है वैसे ही डिफ़ॉल्ट में है। तो ये होती है पैडिंग प्रॉपर्टी जिसके मदद से हम अपने टेक्स्ट के टॉप लेफ्ट राइट बॉटम के स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो गाइस इसकी भी कुछ वैल्यूज़ होती है। एक तो होती है लाइन थ्रू, जो टेक्स्ट के ऊपर स्ट्राइक के लिए लाइन आती है। एक होती है ओवर लाइन, जो टेक्स्ट के ऊपर लाइन आती है। एक होती है अंडर लाइन, जो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए लाइन आती है। और एक वैल्यू होती है नन, जो डिफ़ॉल्ट होती है। तो चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं फर्स्ट वैल्यू लाइन थ्रू। हमने यहाँ पे लगाया लाइन थ्रू। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करके रिफ्रेश करते तो गाइस देखो ये स्ट्राइक के लिए लाइन आई कि हमें अगर वो टेक्स्ट को निकालना है हमारे वेब पेज से तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं लाइन थ्रू। ओके तो चलिए दूसरी वैल्यू यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं ओवरलाइन। हमने यहाँ पे टाइप किया ओवरलाइन। चलिए अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखो गाइस ये टेक्स्ट के ऊपर लाइन आई ओवरलाइन। ओके तो चलिए अगली वैल्यू यूज़ करते हैं अंडरलाइन। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे अंडरलाइन। इसको सेव करते हैं। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो गाइस ये हो गई अंडरलाइन। ये हाईलाइट के लिए यूज़ होती है। और अगली वैल्यू है नन, जिसके लगाने से कोई हमारे वेब पेज पे इफ़ेक्ट नहीं होता है। चलिए हम इसको सेव करते हैं। सेव करके रिफ्रेश करते तो देखो गाइस यहाँ पे कोई लाइन नहीं आई क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है नन। ओके तो चलिए हम इसको फिर से यहाँ से निकाल के अंडरलाइन लगाते हैं। हम इसको सेव करते सेव करके रिफ़्रेश करते हैं तो देखो गाइस यहाँ हमारे टेक्स्ट को अंडरलाइन आ गई। तो ये थी प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन की। तो अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है बैकग्राउंड इमेज। तो गाइस अगर हमें बैकग्राउंड में इमेज सेट करना है वेब पेज के तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बॉडी टैग को एज ए सेलेक्टर, जैसे हमने इससे पहले यूज़ किया था बैकग्राउंड कलर। तो हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को हटाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करते हैं बैकग्राउंड इमेज। ओके उसकी वैल्यू में हम देते हैं यहाँ पे URL। URL के अंदर हमें वो पाथ देना है, वो URL देना है जो हमारे इमेज का URL है। ओके तो हमने इमेज हमारे एक फ़ोल्डर में सेव किए जिस फोल्डर में हमारी CSS और HTML की फाइल है, CSS प्रॉपर्टीज़। तो इसमें हमारी वो इमेज है जिसको हमें कॉल करना है। तो ये जेलीफिश इमेज है जिसको हम कॉल करेंगे। तो उससे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, इसका फॉर्मेट क्या है इमेज का, फाइल फॉर्मेट। तो यहाँ से राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, तो ये रहा इसका फाइल फॉर्मेट .jpg। ओके तो चलिए हम इस इमेज को कॉल करते हैं अपने वेब पेज में। तो यहाँ पे हम नेम देंगे जेलीफिश .jpg। ओके चलिए अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखो गाइज हमारे वेब पेज के बैकग्राउंड में इमेज सेट हो गई। तो ये प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज जिसके मदद से हम अपने वेब पेज के बैकग्राउंड को इमेज लगा सकते हैं। ओके तो चलिए अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है मार्जिन। तो गाइज मार्जिन की भी वैल्यूज़ होती है, एक तो राइट बॉटम लेफ्ट एंड मिड। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लेफ्ट साइड। ओके तो मार्जिन लेफ्ट यहाँ पर हम वैल्यू देंगे। तो गाइज जब लेफ्ट साइड वैल्यू देंगे तो क्या होगा कि लेफ्ट साइड से वो मार्जिन स्पेस को छोड़ेगा। ओके ताकि यूज़र को टेक्स्ट पढ़ने में दिक्कत ना हो। ओके तो चलिए हम यहाँ पे कुछ वैल्यू लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लगाते हैं जैसे 20px। ओके तो चलिए हम इसको सेव करते सेव करके रिफ़्रेश करते
जैसे हमने रिफ़्रेश किया तो देखो गाइज़ यहाँ से लेफ़्ट साइड से 20 पिक्सल्स मार्जिन स्पेस हो गई है। तो ये प्रॉपर्टी होती है मार्जिन की, जिसके मदद से हम अपने मार्जिन स्पेस सेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है लेटर स्पेसिंग। ओके, तो गाइज़ लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दो लेटर्स के बीच में स्पेस की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ स्पेस लगाते हैं वैल्यू में, तो हम यहाँ पर लगाते हैं 20px। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो देखो गाइस, जैसे हमने रिफ़्रेश किया तो हर लेटर्स के बीच में 20 पिक्सल्स का स्पेस हो गया। तो गाइस, आपने बहुत सारे वेबसाइट्स देखे होंगे जैसे सॉन्ग के, मूवीज़ के, जिसमें लेटर्स होते हैं, A to Z लेटर्स होते हैं, और हर लेटर्स पे हाइपरलिंक बनी हुई होती है। तो यूज़र को उन हाइपरलिंक पर क्लिक करना ईजी हो, इसके लिए हर लेटर्स के बीच में स्पेस लगाया जाता है। तो गाइज़, ये थे CSS के बेसिक प्रॉपर्टीज़ जिसको हमने आज के वीडियो में कवर किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।